संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह सहित एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त युगराज सिंह, कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन शैली के बारे में लोगों को जानकारी दी तथा कलेक्ट्रेट कर्मचारियों द्वारा अपने गीत एवं कविताओं के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन शैली पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का संचालन कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के जिला महामंत्री गोपी कृष्ण ने किया। जैसा मैं देखता हूँ, हर आदमी अपनी बातों को मनवाने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करता है, हर आदमी अपने अधिकार में चिल्लाता है, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्य को पालन कर रहे हैं? हमें ये भी सोचना चाहिए, जो हमें कर्तव्य दिए गए हैं यदि हम उनका पालन करें तो अधिकार उस राह पे चलते चलते हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तो मेरा सभी साथियों से यही निवेदन है, जो जो हमें कर्तव्य मिले हैं, जिस भी पटल पर हमें, जिस भी रूप में हम लोग यहाँ आए हैं, जो भी कार्य हमारे समझ दिए गए हैं, अगर हम उसे शत प्रतिशत निर्वहन करें, ईमानदारी के साथ काम करें, तो कोई ऐसी बाधा नहीं है जो हमें अपने लक्ष्य में सफल होने से रोके। तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, धीरे धीरे उसी से समाज में उत्थान आएगा, क्योंकि एक व्यक्ति पूरे समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन वो जिस स्थान पर रहेगा, उस स्थान पर रहकर अपना योगदान पूर्ण रूप से दे और लोगों को प्रेरित करे कि वो भी उसकी तरह अपना शत प्रतिशत योगदान करें, तो धीरे धीरे हमारे समाज में उत्थान आएगा। और जो बाबा साहब ने जो स्वप्न देखा था, समाज में एक समानता हो, एक रूपता हो, कोई छोटा बड़ा भेदभाव ना रहे। गोपी ने बताया 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ, उस महामारी वास्तव में उस व्यक्ति ने जन्म से ही दो स्तरों पर लड़ाई लड़ी। पहला स्तर तो ये था कि वो गरीब बहुत थे, नो डाउट, बिल्कुल गरीब थे। दूसरा स्तर ये था कि सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदाय से आते थे। हम खुद आज के डेट में भी अगर कभी कल्पना करें, वो समाज कैसा था जहाँ विभिन्न जगहों पर कहीं गले में हाड़ी लटका के चलना पड़ता था ताकि सड़क पर कोई थूक न सके, तो कहीं पे किसी एरिया के पीठ के पीछे झाड़ू बांध के चलना पड़ता था कि उसके कदमों के निशान मिट जाए, तो कहीं किन्हीं चीजों पे टैक्स था, कहीं पढ़ने की बिल्कुल संभावनाएं भी नहीं थी। उस वक्त वो बच्चा कमरे के बाहर बैठ करके अपने गुरु से अध्ययन करता था। ये अलग बात है कि वहीं के ब्राह्मण समुदाय में ही, ब्राह्मण जाति के लोगों ने ही उनका अम्बेडकर को उपनाम भी दिया। तो अगर हम देखें तो उनका अपना जीवन ही पूरी एक पाठशाला थी, कैसे गरीबी से लड़े, कैसे अस्पृश्यता से लड़े, कैसे जातिवाद से लड़े, और इन सबका को एक जगह इकट्ठा करने का काम उन्होंने किया। इस दरमियान उन्होंने एक काम जरूर किया जो वास्तव में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा और अपने घर में भी अपने दोस्तों से भी कहता से मैं बोलता हूँ उस बात को। उस आदमी ने सिर्फ एक चीज का दामन कभी नहीं छोड़ा, वो थी शिक्षा। शिक्षा के लिए उस आदमी को जो करना था उन्होंने वो किया, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और यहाँ से अगर भारत जाना था, हैरतदासी के पास जाना था, वहां पर भी उन्होंने शिक्षा के लिए यहाँ से गए और उस सोच में उनको बड़ा ही परिपक्व बना दिया। इस शिक्षा ने उनको इस स्तर तक पहुंचा दिया कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने ही उनको इलेक्शन लड़ाया। जिन्होंने हमारे देश को इतना मजबूत स्वरूप दिया कि आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे ही साथ स्वतंत्र हुए तमाम देशों में डेमोक्रेसी का और रूप नहीं रहा जो हमारे देश में आज आपको देखने को मिल रहा है कि एक मजबूत डेमोक्रेटिक सेटअप हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हो चुका है। निश्चित रूप से उसका श्रेय उस हमारी संविधान की जो पुस्तिका है उसको जाता है, उसमें भविष्य की चीज़ों को समाहित करते हुए उसको सजाया गया था, संवारा गया था। और हमारे संविधान को सजाने संवारने का अगर एक व्यक्ति को सबसे अधिक क्रेडिट जाता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। पूरे संविधान को बनाने में तमाम लोगों का सहयोग रहा है निश्चित रूप से, लेकिन तारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो कार्य किया है उसको कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की राजनीति को भुलाया नहीं जा सकता है। जो बातें मैं आज करने को सोच रहा था, आलोक जी ने बड़े विस्तार से उसके बारे में आपसे चर्चा की। उन्होंने अपने पूरे जीवन केवल एक लड़ाई राजनीतिक आजादी के लिए उनको लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी, बल्कि उनको सामाजिक आजादी के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी, राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी।
राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों मोर्चों पर उतर लड़ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने खुद उसको भोगा था, खुद महसूस किया था, खुद अनुभव किया था। और कहीं ना कहीं उनके मन में कोई पीड़ा थी, जिसके चलते अंतिम समय उन्होंने बहुत धर्म के लाभ किया था, क्यों समाज में जो बुराइयां थी उससे छुटकारा दिलाना चाहते थे। हम देखते हैं कि अगर मध्यकालीन भारत को देखें या आज़ादी से पहले का हिंदुस्तान देखें तो तमाम तरह की बुराइयां थी, और सामाजिक रूप से उसमें से तमाम बुराइयां आज भी हमारे समाज की विद्यमान है। आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखें, गरीब परिवारों में देखें, कि अगर घर में बेटी का जन्म होता है तो उतना अच्छा नहीं महसूस करते हैं लोग, उस तरह से लड्डू नहीं बांटते हैं जैसा बेटे के जन्म को बांटते हैं। मीन्स कहीं कहीं जेंडर के आधार पर हम भेदभाव करते हैं। जो हमारा मिडिल क्लास है, जो हायर क्लास है, उसमें तो काफ़ी हद तक जागरूकता आई है, उसका बहुत बड़ा काम शिक्षा ही है, लोग शिक्षित हुए हैं और उसके बारे में सोचने लगे हैं, और भेदभाव भी लगभग समाप्त हो गया है। लेकिन पूरी तरह समाप्त हो गया है सामाजिक भेदभाव ऐसा हम नहीं मानते हैं। अभी भी हमारे देश के तमाम ऐसे अंचल हैं कि अभी भी छिटपुट इस तरह की बातें आती हैं कि सामाजिक भेदभाव के नमूने हमारे सामने। इस मौके पर एडीएम फाइनेंस युवराज सिंह, एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, अपर नगर मजिस्ट्रेट वित्तीय मनीष चौधरी, डिप्टी कलेक्टर निखिल यादव, कर्मचारियों में अनिल सैनी, उदयराज सिंह, सोनू, मोहम्मद एजाज, असलम सैफी, हरकेश कुमार, नलिन वर्मा, गीता देवी, मोनिका, अनुराग, रोहित, पंकज सिंह एवं अतुल अग्रवाल, अनुज सहित भारी संख्या में कलेक्ट्रेट कर्मचारी उपस्थित रहे।